जो है लोकसभा निश्चित रूप से इलेक्शन लड़ेंगे, यानी साउथ कश्मीर की सीट भी वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये उमर उबला मतलब कोई पार्टी की किसी पार्टी की जागीर है मेरी या उसकी, जो मैं बोलूं मैं ये छोड़ूंगी नहीं वो नहीं छोड़ूंगी, तो सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, तो इसमें क्या कौन सा उन्होंने ऐसी गलत बात कह दी? ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक कहा। क्या आप भी फिर तैयार हैं अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए? इस पे कश्मीरी लड़कों को जो है हिरासत में लिया जा रहा है, इस पे बीजेपी आप इस स्पीच में भी बोला, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक मैसेज जो है, क्या कौन सी मैसेज आप देना चाहेंगे? ये तो मैं कहती हूँ बार बार कि खेल को खेल समझो, उसको जुर्म मत बनाओ। अगर कश्मीर के कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जश्न मनाया, खुश हो गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो हंस रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। तो कश्मीरियों के ऊपर ये जो शक है, ये शक करना कब खत्म करोगे? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर में। अभी भी ये दिखाता है कि बीजेपी को कितनी इनसिक्योरिटी है, उनके दिल में चोर है, वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए यहाँ के लोगों की शक की नजर से देखते हैं। ये यूएपीए हटना चाहिए, हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, अगर किसी लड़के ने किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की है, बहुत गलत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई गलती न करने के न किए न कोई जुर्म किया, जो स्कॉस के हमारे स्टूडेंट थे उसके बावजूद उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया जो बिल्कुल नाजायज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस लड़के ने ये नाजायज कलाम किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं साथ ही ये कहूंगी, स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्कॉस के हैं चाहे ये है, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम।